हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? हाय एवरीवन, आई एम गरिमा, आई एम एजुकेटेड ऑन एन अकेडमी। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 8 to 9 years एंड आई एम हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू गाइज टू टर्न योर ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड इन टू रियालिटी। इन ऑर्डर टू डू दैट वी आर कमिंग अप विद मल्टीपल कोर्सेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। And you know, you would be really proud to know that now An Academy is official partners with Cambridge. So whatever study material you will be getting and whatever, you know, we are going to train you with, it's going to be all in association with Cambridge. Isn't it amazing? So let me just tell you about the platform first. See what happens, we have two types of courses. One is Plus and then it's Iconic. जो प्लस है वहाँ पे लाइव क्लासेस होता है, वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है जितने भी कोर्सेज, जितनी भी क्लासेस हमने पहले ली हैं उनका। एंड देन देयर इज़ आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है कि आप लोगों को ना, यू विल गेट अ पर्सनल कोच एंड यू विल गेट अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू हेल्प यू, एंड देन यू नो प्रेपरेटरी स्टडी मटीरियल यू विल बी गेटिंग, स्टडी प्लानर यू विल बी गेटिंग। सो ऑल दीज आर सम स्पेशल बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट इन द आइकॉनिक। सो नाउ लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द कॉस्टिंग एंड ऑल। इफ़ यू गो फॉर 1 month सब्सक्रिप्शन एंड यू गो फॉर कोड सप्रा 10, यू कैन गेट ईदर 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट। ठीक है, जो 10% है उसके बाद आपको ये मिलता है 5400 का। ठीक है, अगर आप 20% डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको पड़ता है 4800 का। तो 5400 आफ्टर 10% डिस्काउंट एंड 20% डिस्काउंट के बाद 4800। सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट गिविंग हेडिंग टू अ पैराग्राफ। Like I taught you in my previous session that heading देने का सबसे अच्छा रामबाण क्या है, passage को पढ़ो, elimination method का इस्तेमाल करो। This is exactly what I'm going to do today। मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको थोड़ा simple वाला करवाऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा difficult level पे लेके जाऊँगी। ठीक है, it is like a mock test plus it is a practice session as well in which I'm going to teach you how to give a heading। Are you all ready? क्या आप सब लोग ready हो? Let me just see how many students are here. Just give me a moment. चेक करते हैं कौन कौन अभी आया हुआ है सेशन में। ओके, यस, सो आर यू रेडी एवरीबडी? शुरू करें। साहिल, ठीक है, चलो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पैसेज को रीड करना है। कौन सा पैसेज है? द फर्स्ट वन, सेक्शन ए। एंड आप लोगों ने उसके बाद मुझे बताना है कि आपके अकॉर्डिंग उसकी हेडिंग क्या हो सकती है। ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद सेक्शन ए नाउ। आई एम गिविंग यू गुड 1 minute टू डू दैट। प्लीज स्टार्ट। हाँ जी, सो लेट मी सी इफ एनी वन हैज गिवन एनी आंसर। अच्छा, अभी तो आप लोग रीड कर रहे हैं, राइट? ओके, सो द टाइम इज अप, लेट मी सी। चलो, गिव अ बेस्ट हेडिंग टू इट। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इफेक्टिव हेडिंग? हाय, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, सब लोग जल्दी से हेडिंग बताओ। हाँ
Could you figure out? चलिए अब चेक करें एक बारी हम लोग. देखिए इन्होंने कहा सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फेटीग. ओके, डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म्स, नेक, हैंड्स और बैक और आई स्ट्रेन. ठीक है, विच कैन बी एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टेंट और रेगुलर वर्क एट अ कीबोर्ड एंड विजुअल डिस्प्ले सिस्टम. ठीक है, इन्होंने कहा जो सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रिवेंशन में मस्कुलर फेटीग को, डिस्कम्फर्ट को और पेन इन द आर्म्स, नेक, हैंड्स और बैक. ठीक है, आई स्ट्रेन भी. अब अगर हम इसमें देखें हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड, नहीं हो सकता. हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक, नो नो नो, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये तो नहीं हो सकता. वॉट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, नॉट रियली. ओके, वट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू, नहीं. वट मेक्स अ गुड सीट, नहीं. वट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके उन्होंने ज़रूर बात की थी, है ना. तो आई कैन जस्ट से कि हम हेल्थ प्रॉब्लम को लेके बोल सकते हैं, राइट. वट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ लाइटनिंग टू हैव, नहीं. वट आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, नहीं. वाई डज दिस, नहीं. तो अब ये सब पढ़ने के बाद मुझे क्या पता लगा कि यार इसमें ना मेरा नंबर सिक्स जो हेडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है. सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं फटाफट अपने सेक्शन ए मतलब क्वेश्चन 15 के आगे क्या लिख दूंगी, नंबर सिक्स. प्लीज़ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? क्या आप लोग को समझ आया एलिमिनेशन मेथड? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो अब हमने क्या किया, हमने इस वाले के आगे लिख दिया नंबर सिक्स. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बी. आई एम गिविंग यू अगेन 1 मिनट टू रीड बी. प्लीज गो अहेड. Okay, let's see. Please go ahead. ओके, डन. अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या हेडिंग होनी चाहिए. मैं भी रीड करती हूँ फिर मैं अपनी हेडिंग बताती हूँ, ठीक है. इसमें इन्होंने बोला कि वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयर है वो अटेंशन पे करे फिजिकल सेटिंग को, सच एज वर्क प्लेस डिज़ाइन, ऑफिस एनवायरनमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ मॉनिटर्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क एंड इंडिविजुअल वर्क हैबिट्स. ओके,
Operators must be able to recognize work-related health problems and be able to and be given the opportunity to participate in the management of these. Operators should take note of and follow the preventive measures outlined below. ठीक है, तो एक तरीके से देखो reflection problem को लेके तो बात नहीं हुई थी, है ना? ये वाला रास्ते का कांटा तो निकल गया था, इसको निकाल देते हैं. वर्क विदाउट ब्रेक की बात नहीं हुई, एक्सपीरियंस नहीं, बेस्ट टाइम टू डू नो, व्हाट मेक्स अ गुड सीट नहीं, बेस्ट काइंड ऑफ लाइटिंग नहीं 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 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं वो रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स की बात ज़रूर कर रहे हैं, है ना? जैसे देखो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो एम्प्लॉयर है वो पे अटेंशन करे फिजिकल सेटिंग को, है ना? फिर इन्होंने यहाँ पर बताया कि ऑपरेटर्स को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का. तो मुझे लगता है कि इसका अगर हम जवाब देना चाहें तो वी कैन गिव आंसर एज नंबर 8, व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, है ना? सही है, सबको क्लियर हो गया? तो मैं इसके आगे क्या लिख देती हूँ, नंबर 8 लिख देती हूँ. ठीक है, चलिए अब हम थर्ड मतलब सी सेक्शन करते हैं. मैं आपको दोबारा से 1 मिनट दे रही हूँ टू डू दैट. प्लीज़ गो अहेड. डन. ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या हेडिंग रहेगी. अच्छे से बताना, बिल्कुल परफेक्ट. हाँ, थोड़ा सा जल्दी कोशिश करो. ओके, अब मैं चेक करूं, देखते हैं. इन्होंने कहा द टाइपिस्ट मस्ट बी कंफर्टेबली अकोमोडेटेड इन अ चेयर दैट इज एडजस्टेबल फॉर हाइट विद द बैक्स रेस्ट दैट इज ऑल्सो ईजिली एडजस्टेबल बोथ फॉर एंगल एंड हाइट. द बैक रेस्ट एंड सेटिंग लेज विद अ कर्व्ड लेज शुड प्रेफरेबली बी क्लॉथ कवर्ड टू अवॉइड एक्सेसिव परस्पिरेशन. ओके, तो अब इन्होंने ना कहीं दे आर टॉकिंग अबाउट सीट, है ना, कि जो चेयर है वो एडजस्टेबल होना चाहिए, हाइट भी होना चाहिए, दोनों साइड से एंगल और ये सब भी होना चाहिए, बैक रेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, सिटिंग लेज भी होना चाहिए, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सीट समवेयर, राइट? तो रिफ्लेक्शन की बात हुई नहीं है, हाउ लॉन्ग आई वर्क विदाउट अ ब्रेक नहीं हुआ है, वॉट इफ आई एक्सपीरियंस नहीं बात हुआ है, बेस्ट टाइम टू डू नो नो नो, वॉट मेक्स अ गुड सीट, दिस आई थिंक कैन बी कंसिडर, राइट? आई कैन जस्ट कैंसिल इट एज ऑफ नाउ. बेस्ट काइंड ऑफ लाइटनिंग नो, VDU की बात नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हुई है. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 5th. अच्छा, तो पल्लवी जी भी 5th ही कह रही हैं. वेरी गुड पल्लवी, वेल डन. आगे बढ़ते हैं डी की तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद डी नाउ. 1 मिनट अगेन टू रीड डी.
Done. Okay. Please go ahead. Give a good heading to it. What do you think? Hanji, what do you think, everybody? Kya heading hona chahiye? Since now, you know, we have already given some good answers, toh bahut easy ho jata hai because few options are left. चलो अब मैं भी चेक करूँ एक बारी. ठीक है, जल्दी से चेक कर लेते हैं. When the keyboard operator is working from a paper file or a manuscript, it should be at the same distance from the eyes as the screen. Okay. The most convenient position can be found by using some sort of holder. Individual arrangement will vary according to whether the operator spends more time looking at the video or the paper. Whichever the eyes are focused on for the majority of time should be put directly in front of the operator. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पेपर फाइल और मैन्युस्क्रिप्ट को सेम डिस्टेंस पे रखो आईज. ओके, हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड? नहीं यार. हाउ शुड आई वर्क? हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क? नहीं. वॉट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम? नहीं. वेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग? नहीं. What is the best kind of lightning to have? नहीं. Why does a video create eye fatigue? नहीं, ये तो नहीं होगा. Where should I place the documents? ये हो सकता है. देखो हम लोग इतने सेंसिबल हैं कि हम ये बता दें आई फिटीक को लेके इन्होंने नहीं बोला है ना, कि इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला, मतलब जो आप बोल रहे हो पल्लवी, why should a video create a eye fatigue? I don't think so they are saying this. They are saying कि तुम्हें कहाँ पे रखना चाहिए कि तुमको प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10th, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो अब हम ई की तरफ चलते हैं. अब आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देने लग जाओगे क्योंकि दो तीन ऑप्शन ही रह गए हैं. प्लीज स्टार्ट विद ई. आई हैव स्टार्टेड द टाइमर. Done. Please go ahead and give a heading to it. Email. देखो, while keying, it is advisable to have frequent but short pauses of around 30 to 60 seconds to proofread. When doing this, relax your hands. After you have been keying for 60 minutes, you should have 10 minutes change of activity. During this spell, it is important that you do not remain seated but stand up or walk around. This period could be profitably used to do filing or collect and deliver documents. ठीक है,
मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई तुम शॉर्ट पॉज लो 30 to 60 seconds के, इस टाइम पे अपने हाथों को रिलैक्स करो, एंड यू नो यू कैन जस्ट, अगर तुम 60 मिनट पूरा कॉन्टिन्यूसली टाइपिंग कर रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक लो, चेंज ऑफ एक्टिविटी करो. और इट इज़ द टाइम जब तुमको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, एंड यू कैन बी सीटेड और स्टैंड अप और वॉक अराउंड. और ये पीरियड, मतलब इस टाइम पे या तो तुम भाई यूज टू डू फाइलिंग और कलेक्ट एंड डिलीवर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम की बात नहीं हुई है. हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक, ये मुझे लगता है हो सकता है. वॉट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, नहीं. वेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग चोर्स, नहीं यार इसके बारे में बात नहीं हुई है. उन्होंने बेस्ट टाइम एक ये चीज़ तो बोला है कि यार ठीक है, ये कुड बी, इट कुड बी यूज्ड, बट इन्होंने ये नहीं बोला कि ये बेस्ट टाइम है ना. आई डोंट थिंक सो आई कैन गो अहेड विद इट. बेस्ट काइंड ऑफ लाइटनिंग, नहीं. वाई डज वीडियो क्रिएट आई फिटिक, नहीं. तो मेरे को लगता है यही आंसर होना चाहिए भाई. तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर 2. एक बार चेक कर लेते हैं क्या ठीक किया है हमने. हाँ दैट इज करेक्ट. क्या ये सबको समझ आया? प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, कमिंग ऑन टू एफ नाउ. प्लीज गो अहेड विद एफ. 1 मिनट टू डू दैट अगेन. चलो डन, गो अहेड, गिव अ हेडिंग नाउ. हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट हेडिंग? फर्स्ट, ठीक है जी, पढ़ लेते हैं. जनरली द बेस्ट पोजिशन फॉर वीडियो इज एट द राइट एंगल्स टू द विंडो. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन ग्लेयर फ्रॉम द विंडो कैन बी कंट्रोल्ड बाय ब्लाइंड्स, कर्टन्स और मूवेबल स्क्रीन्स. कीप द फेस ऑफ द वीडियो वर्टिकल टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम द ओवरहेड लाइटिंग. ग्लेयर यू अंडरस्टैंड, वो हमारे फेस पे जो रिफ्लेक्शन ही पड़ती है. हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड? ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि देखो वॉट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम की बात नहीं हुई. बेस्ट काइंड ऑफ लाइटनिंग तो है नहीं. वाई डज वीडियो क्रिएट आई फिटिक, इसकी बात नहीं. उन्होंने बोला कैसे तुम अवॉइड कर सकते हो कि आप विंडो से बाई कैन बी कंट्रोल्ड बाई ब्लाइंड कर्टन्स और मूवेबल स्क्रीन्स. कीप द फेस ऑफ द वीडियो वर्टिकल टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम द ओवरहेड लाइटनिंग. ठीक है, कमिंग ऑन टू जी नाउ. 1 मिनट.
डन। चलिए अब बताएं कौन सी हेडिंग आपको लगता है सबसे सूटेबल है। यस क्विकली सो दैट वी कैन मूव ऑन टू अ डिफिकल्ट लेवल एज वेल आफ्टर दिस। नंबर थ्री, ठीक है, तो अनसैटिस्फैक्ट्री वर्क प्रैक्टिसेस और वर्किंग कंडीशंस में रिजल्ट इन एक्स और पेन, सिम्टम्स शुड बी रिपोर्टेड टू योर सुपरवाइजर अर्ली ऑन सो दैट द कॉज ऑफ द ट्रबल कैन बी करेक्टेड एंड द ऑपरेटर शुड सीक मेडिकल अटेंशन। ठीक है, तो व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, दैट इज अ करेक्ट, क्योंकि लाइटनिंग की बात नहीं हुई, वीडियो की बात नहीं हुई, तो दे आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, तो वो मेडिकल रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो गया नंबर थ्री। अब बताइए क्या सबको समझ आया हाउ यू शुड बी डूइंग हेडिंग्स। हाय नवीन, अब डिफिकल्ट लेवल ऑफ रीडिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि नवीन जी आए हैं ना, अब हम थोड़ा इनको डिफिकल्ट करवाते हैं। डन, सबको समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड का कमाल क्या है। चलिए अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट पे जा रहे हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से मुझे बताना है, मैं वैसे ही आपको 1 मिनट दूंगी, आप लोग ने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट में पहले ये पढ़ना है पैसेज, पैसेज को पढ़ने के बाद आपने बताना है नीचे दी हुई जो हेडिंग्स हैं उनमें से सबसे सूटेबल हेडिंग आपके अकॉर्डिंग कौन सी होगी। ठीक है, चलो, आर यू रेडी एवरीबडी, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। मैं आपको पूरे 1 मिनट 20 सेकेंड्स दे रही हूँ पढ़ने के लिए और हेडिंग भी देने के लिए साथ साथ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो अहेड। समय समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। हाँ जी, सो आई हैव गॉट दी आंसर एंड एवरीवन इज सेइंग दैट इट इज़ नंबर 4, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। एक बार देख लेते हैं, कॉफ़ी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका इन एन एरिया वी नो टुडे एज इथियोपिया, अ पॉपुलर लेजेंड रेफर्ड टू एज गोट होल्डर बाय द नेम ऑफ गाली, हु ऑब्जर्व्ड हिज गोट्स एक्टिंग अनयूजुअली फ्रीली आफ्टर ईटिंग बेरीज फ्रॉम अ बुश, क्यूरियस अबाउट दिस फिनोमिनन Kali tried eating the berries himself. He found that these berries gave him renewed energy. हाँ देखो, growing coffee की बात नहीं हुई, problems with manufacture की बात नहीं हुई, processing the bean की बात नहीं हुई, first contact बिल्कुल हो सकता है, Arabian coffee की बात नहीं हुई, coffee varieties की बात नहीं हुई, modern coffee की नहीं हुई, spread of coffee की नहीं हुई, consuming coffee नहीं हुई, climates for coffee नहीं हुई, the coffee plant नहीं हुई, तो इसका answer क्या हो गया, नंबर फोर्थ, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू बी नाउ, गो अहेड एवरीबडी।
हाँ जी टाइम आप देखें, इन्होंने कहा न्यूज़ ऑफ दिस एनर्जी लेडन फ्रूट क्विकली मूव थ्रू आउट द रीजन. कॉफी बेरीज वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इथोपिया टू द अरेबियन पेनिनसुला एंड वर फर्स्ट कल्टिवेटेड इन टुडे इज द कंट्री ऑफ यमन. कॉफी रिमेन्ड अ सीक्रेट इन अरेबिया बिफोर स्प्रेडिंग टू टर्की एंड देन टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट बाय मीन्स ऑफ वेनेटियन ट्रेड मर्चेंट्स. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट कॉन्टैक्ट हट गया था. ग्रोइंग कॉफ़ी की अभी बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर की बात नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग द बीन की बात नहीं हो रही है, अरेबियन कॉफ़ी की बात नहीं हो रही है. अच्छा, स्प्रेड ऑफ कॉफ़ी आई थिंक इज द करेक्ट आंसर. आप लोग क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही जवाब. सो द आंसर फॉर दिस वन इज स्प्रेड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि वो क्या होने लग गई? स्प्रेड होने लग गई. चलिए, समझ आ रहा है एलिमिनेशन मेथड का कमाल? अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसके लिए आपको टाइम दे रही हूँ पहले पढ़ने के लिए अराउंड 1 मिनट 10 सेकेंड्स का. स्टार्ट एवरीबॉडी. चलो जी, टाइम अप. अब चेक करके बताओ कौन सी हेडिंग आपको लग रही है. प्रोसेसिंग कह रहा है, प्रोसेसिंग द बीन. गलत जवाब दे रहे हो बेटा. पढ़े एक बार हम लोग साथ. कॉफी वॉज फर्स्ट ईटन एज अ फूड दो लेटर पीपल इन अरेबिया वुड मेक अ ड्रिंक आउट ऑफ बॉइलिंग द बीन्स फॉर इट्स नार्कोटिक इफेक्ट्स एंड मेडिसिनल वैल्यू. कॉफी फॉर द टाइम वॉज नोन एज अरेबियन वाइन टू मुस्लिम्स who were banned from alcohol by Islam. It was not until after the coffee had been eaten as a food product, a wine and a medicine that it was discovered probably by complete accident in Turkey that by roasting the beans a delicious drink could be made. The roasted beans were first crushed and then boiled in water, creating a crude version of beverage we enjoy today. The first coffee houses were opened in Europe in 17th century, in 1675. The Venetians established the habit of refining the brew by filtering out the grounds, sweetening it and adding a dash of milk. क्या बात कर रहा है नवीन? यहाँ पे कहीं पर भी processing की नहीं consuming की बात हुई है. तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 था. अच्छा, उसके बाद you changed it. ठीक है, ग्रोइंग की बात नहीं हुई, प्रॉब्लम्स की बात नहीं हुई, प्रोसेसिंग की बात नहीं हुई, अभी तो वो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि उसको किस किस तरीके से कंज्यूम करा गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी की तरफ चलते हैं. अगेन अ मिनट टू डू इट. दिस हैज बीन एलिमिनेटेड.
हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट हेडिंग? What about others? Okay. Check करें. If you were to explore the planet for coffee, you would find that 60 species of coffee plants growing wild in Africa, Malaysia, and other regions, but only about 10 of them are actually cultivated. Of these 10, two species are responsible for almost all the coffee produced in the world. Coffea arabica and Coffea canephora, also known as Robusta, because of ecological differences existing among the various coffee producing countries. Both types have undergone many mutations and now exist in many subspecies. Theek hai. Growing coffee nahi ho sakta, hai na? फिर प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रोसेसिंग द बीन नहीं हो सकता, कॉफ़ी वेराइटी ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वेराइटीज़ की बात कर रही है, राइट? तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, नंबर 6. सी, यू हैव टू बी वेरी वाइज. आप एटलीस्ट ये बता सकते हो कि क्या नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करते जाओ और जो हो सकता है उसको लिख दो वहाँ पर. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. लेट्स मूव ऑन टू ई नाउ. Again, a minute to do it. हाँ जी, अब बताएं. यस पीपल, प्लीज टेल मी. व्हाट डू यू थिंक कैन बी द मोस्ट सूटेबल हेडिंग फॉर दिस? ऑप्शंस आर हियर बेटा, ये रहे ऑप्शंस. What about others? Naveen is saying number 11th. What about others? You want to read again? Although white plants can reach 10 to 12 meters in height, the plantation one reaches a height of around 4 meters. This makes the harvest and flowering easier and cultivation more economical. The flowers are white and sweet scented like the Spanish jasmine. Flowers give way to red darkish berries. At first sight, the fruit is like a big cherry, both in size and color. The berry is coated with a thin red film containing a white, sugary, mucilaginous flesh. Inside the pulp, there are seeds in the form of two beans, coupled at their flat surface. Beans are in turn coated with a kind of a resistant golden yellow parchment. When sealed, the real bean appears with another very thin silvery film. The bean is bluish green verging on bronze and is at most this. Okay, तो यहाँ पर समझ नहीं आया.
बेटा देख, यहाँ पे ना वो प्लांट की बात कर रहे हैं कि जो इनका प्लांट है ना, ये जो कॉफी का होता है, ये 10 से 12 मीटर हाइट में होता है, ठीक है? और उसके बाद ये 4 मीटर, मतलब कितना होता है, प्लांटेशन वन रीचेज द हाइट ऑफ दिस, तो हार्वेस्ट एंड फ्लावरिंग ईजियर हो जाती है, ठीक है? इकोनॉमिकल हो जाता है। इसका वाइट कलर का फ्लावर होता है जो बहुत ही स्वीट सेंटेड होता है, उसके अंदर एक बेरी होती है, ठीक है? वो जो है वो चेरी शेप में रहता है, मतलब चेरी साइज एंड कलर में रहता है, एंड कोटेड विद अ थिन रेड फिल्म। ये हो गया, ठीक है? तो इसमें बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ऑफ अ कॉफी। तो ग्रोइंग कॉफी नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर की बात नहीं हुई है, प्रोसेसिंग द बीन की बात नहीं हुई है, इन्होंने जो बात करी है कॉफी प्लांट की बात करी है। तो नवीन वॉज एब्सोल्यूटली राइट, इसका आंसर क्या हो गया, कॉफी प्लांट, दैट मीन्स नंबर 11। क्या ये सबको क्लियर है, समझ आया अब कि बेसिकली वो किस बारे में बात करें? दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट मेजरली। ओके पल्लवी, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? यस पल्लवी, प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? ओके लेट्स मूव ऑन टू एफ नाउ, गो अहेड प्लीज, दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, यू कैन सी द रिकॉर्डेड वर्जन। चलिए बताइए जी, क्या हेडिंग आपको लगता है सूटेबल है? ध्यान से देख लो भाई, देखो तुम्हारे दो तीन ऑप्शंस कट गए हैं, एक हमारा फर्स्ट कांटेक्ट कट गया है ना, फिर हमारा कॉफ़ी वेराइटीज़ कट गया था, स्प्रेड ऑफ कॉफ़ी निकल गया था, रस्ते का कांटा, कंज्यूमिंग कॉफ़ी निकल गया था। और कौन सा हट गया था हमारा, ऑप्शन सिक्स हट गया, ये हट गया था कॉफ़ी प्लांट, ठीक है? अब बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नवीन कह रहे हैं 1 और 10, दोनों कह रहा है, अब एक बता कोई भी। ग्रोइंग कॉफी होगा, एक सोच लो। ध्यान से सोच लो क्या आंसर होना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग सब, 10th बोल रहे हो? देखते हैं, कॉफी प्लांट्स नीड स्पेशल कंडीशंस टू गिव अ सैटिस्फैक्ट्री क्रॉप, द क्लाइमेट नीड्स टू बी हॉट वेट और नॉट और हॉट टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न विथ फ्रीक्वेंट रेन्स एंड टेम्परेचर्स वेरिंग फ्रॉम दिस।
द सॉइल शुड बी डीप हार्ड एंड परमिएबल वेल इरीगेटेड विद वेल ड्रेन सब सॉइल द बेस्ट लैंड्स आर द हिली वंस एंड फ्रॉम जस्ट टिल्ड वुड्स द परफेक्ट एल्टीट्यूड इज बिटवीन दिस एंड दिस ठीक है सम वेराइटीज थ्राइव एट दिस cultivation aimed at protecting the plants at very stage of growth is needed sowing should be in sheltered nurseries from which after about 6 months the seedings should be moved to plantations in the rainy season where they are usually alternated with other plants to shield them from wind and excessive sunlight only when the plant is 5 years old can it be counted upon to give a regular yield this is between this grams and to this And each plant and this and 2 kilos for this. अब देखो आपने कहा क्लाइमेट्स फॉर कॉफ़ी लेकिन क्या आपको लगता नहीं ग्रोइंग कॉफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि बेटा क्लाइमेट इन्होंने बताया बट उसके बाद बाकी चीज़ें भी बताई ना जो सिर्फ क्लाइमेट था ना ये तो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्टर था इन्होंने ये भी तो बताया कि सॉइल कैसा होना चाहिए फिर इन्होंने ये भी तो बताया कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है सोइंग कब करनी है और किस तरीके से करनी है फिर 6 महीने के बाद क्या होएगा आर दे जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट हाँ अब जब भी कंफ्यूजन हो ना नवीन मैं तो खुश हो गई थी बेटा कि तूने बिल्कुल सही जवाब दिया तो ये देख कि उसमें उन्होंने बोला क्या है मेजरली दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट्स बट दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग इट एज वेल राइट सबको समझ आया मैंने क्या बोला अभी हां जी हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन ओके चलो ठीक है सो दैट इज इट थैंक यू सो मच इट वॉज सो नाइस अच्छा जी बी है हमारे पास ओके जी बी कर लेते हैं एक लास्ट 1 मिनट ओके जल्दी से पढ़ो इसको 1 मिनट 10 सेकेंड्स डन चलिए अब बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अब तो थोड़े से ही रह गए हैं व्हाट अबाउट अदर्स बिल्कुल सही जवाब प्रोसेसिंग द बीन अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं बीन को कैसे प्रोसेस करना है ये बताया है कि पहले जो राई बीन्स थे वो पिक्ड अप होते हैं फिर उनको अप्रॉक्सीमेटली 250-300 pounds ऑफ कॉफ़ी चेरी अ डे होता है मतलब क्या होता है सिलेक्टिवली पिक करा जाता है फिर उसके बाद उसके साथ क्या किया जाता है ये बताया बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सेशन अटेंड कर रहे थे
सो थैंक यू सो मच. इट इज़ टाइम टू बिड एड्यू टू ईच अदर. बिड एड्यू मतलब से गुड बाय टू ईच अदर. एंड आई होप दैट यू लर्नड हाउ टू गिव हेडिंग टू अ पैराग्राफ एंड हाउ टू रियली यू नो फॉलो दिस एलिमिनेशन मेथड. एंड थैंक यू सो मच. यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. इफ यू लाइक्ड इट, हिट ऑन द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब एज वेल. And also, in order to be part of lovely family of Unacademy, you can use my code SAPRA10. ठीक है, चलिए, bye bye and have a lovely day everybody. Please take care of yourself. Thank you.